खेसारी और काजल राघवानी जब भी कोई स्टेज शो करते हैं भाई, धमाल होता है, कमाल होता है और बवाल भी होता है। तो आपको बता दें कि क्या बवाल किया है इनकी जोड़ी ने भाई। जब ये स्टेज शो करने आए तब तो जमकर नाच गाना हुआ, फिर दर्शकों की गुजारिश पे कुछ बातें हुई और उन बातों में खेसारी ने काजल राघवानी को पूरे यूपी बिहार की पत्नी बता डाला। अब आप ये सोच रहे होंगे वो कैसे, तो हम आपको बताते हैं। जिस दिन काजल राघवानी और खेसारी ये स्टेज शो किए उस दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे था। अब इस वुमेंस डे के मौके पर यानी महिला दिवस के मौके पर खेसारी ने सभी महिलाओं को बधाई दी और साथ ही साथ काजल राघवानी की तरफ इशारा करते हुए ये कहा, ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की पत्नी है। तो भाई वैसे ही आश्चर्य होकर काजल राघवानी और वहां खड़े तमाम लोगों ने कहा कि काजल राघवानी की तो अभी तक शादी तक नहीं हुई। तब खेसारी लाल यादव ने ये कहा, ये भले ही इनकी शादी नहीं हुई है, ये तो पूरे यूपी बिहार की पत्नी है। अब भाई वहाँ जो श्रोता थे यानी जो दर्शक थे सभी हंसने लगे। एम्बैरेस हुई काजल राघवानी, लेकिन वो भी हंसी में टाल गई बात को। फिर तो ये हुआ कि खेसारी लाल यादव भाई काजल राघवानी की सुंदरता पे इस कदर मोहित हुए जा रहे थे कि उन्हें चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे। फिर उसके बाद तो खेसारी लाल यादव ने ये कहा कि मैंने काजल राघवानी के मांग में 15 बार सिंदूर भरा है और ऑन स्क्रीन 45 टाइम्स शादी की है। भले ही ऑन स्क्रीन की तो है, लेकिन भले ही मैं 45 बार शादी कर चुका हूँ, लेकिन मैं शरीफ इंसान हूँ। खैर हम खेसारी के लिए कहाँ कह रहे हैं भाई कि आप में कुछ ऐब है, लेकिन आप काजल राघवानी को देखते हैं तो न जाने आपको क्या हो जाता है कि आप अपनी सिद्ध बुद्ध खो जाते हैं। क्योंकि भाई आपने ही कई मर्तबा कहा है कि मेरी पत्नी को मेरी भोजपुरी को स्टार से नज़दीकियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे घर में कोई बवाल हो, इसलिए ही तो मैं उन सब से दूरियाँ बरत कर रखता हूँ। लेकिन ये क्या, यहाँ तो आप दूरियाँ कम नज़दीकियों की मात्रा ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन खैर इसमें दोष भी आपका नहीं है, काजल राघवानी है ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उन पर फिदा हो जाए। अब भाई हर मायने में ये स्टेज शो बहुत खास रहा। वैसे भी दर्शकों ने इन दोनों को बहुत टाइम बाद एक साथ देखा, इसलिए दर्शक खेसारी और काजल क्या बोल रहे हैं ये ना देखकर खेसारी और काजल किस रंग में रंगे हैं उसी रंग में रंग गए। सभी ने मौज मस्ती किया, धूम धड़ाका किया और तो और लोगों ने ये वुमेंस डे हमेशा से अपने लिए यादगार बना लिया। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।